हेलो स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है गुडविल एंड इट्स वैल्यूएशन। गुडविल पार्टनरशिप में हम कैलकुलेट करें या किसी जॉइंट स्टॉक कंपनी के लिए गुडविल कैलकुलेशन हो, मोर और लेस उन दोनों के मेथड सिमिलर ही हैं। तो गुडविल स्टार्ट करने से पहले आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है आपको, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो एंड में आपको लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है वीडियोस के ऊपर। स्टार्ट करते हैं गुडविल को। गुडविल की अगर हम डेफिनेशन देखें या बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करें तो यहाँ लिखा है गुडविल इज द पॉजिटिव इमेज ऑफ एन एंटरप्राइज इन द माइंड ऑफ कस्टमर्स। कस्टमर के माइंड में जो एक पॉजिटिव इमेज कोई भी एंटरप्राइज बनाता है, बहुत लंबे टाइम तक कस्टमर को सर्व करके अपनी एक पॉजिटिव इमेज बनाता है, उसको हम गुडविल बोल रहे हैं। और ज्यादातर गुडविल की कैलकुलेशन जो होती है या गुडविल वैल्यूएशन जो होता है वो सेल या परचेज जब बिजनेस को किया जाता है तो उस टाइम पर गुडविल वैल्यूएशन होता है। मतलब टेक ओवर हो, एक्विजिशन बोलिए, उस टाइम पर गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करी जाती है। या फिर पार्टनरशिप की बात करें तो जब पार्टनरशिप में कुछ मेजर चेंजेस आते हैं, जैसे नए पार्टनर का एडमिशन हुआ या फिर ऑलरेडी जो पार्टनर है उनमें से कोई पार्टनर का एक्सपल्सन हुआ, रिटायरमेंट हुआ, तो उस टाइम पर गुडविल वैल्यूएशन होता है जो मेजर चेंजेस की कंडीशन में होता है। यहां हम देखें गुडविल इज एन इंटेंजिबल असेट दैट इज एसोसिएटेड विद द परचेज ऑफ वन कंपनी बाय अनदर। तो यही मैंने बताया, जब परचेज करेंगे तो जो इंटेंजिबल असेट है उसे हम गुडविल बोलेंगे। और नॉर्मली गुडविल इज अ पोर्शन ऑफ परचेज प्राइस दैट इज हायर देन द सम ऑफ नेट फेयर वैल्यू ऑफ ऑल द असेट्स परचेज इन द एक्विजिशन एंड लायबिलिटीज अज्यूम इन द प्रोसेस। तो अगर हम किसी बिजनेस की बात करें, हम बिजनेस परचेज कर रहे हैं, उस बिजनेस में 10 लाख रुपए का असेट है और 2 लाख रुपए का लायबिलिटी है, तो जो डिफरेंस इनका होगा उसे हम बोलेंगे नेट फेयर वैल्यू या नेट असेट्स। 10 लाख के असेट्स में से 2 लाख का एक्सटर्नल लायबिलिटी, एक्सटर्नल लायबिलिटी की बात करता हूं मैं, आउटसाइड लायबिलिटी की बात करेंगे। जो इंटरनल लायबिलिटी है, रिजर्व्स एंड कैपिटल, उनको हम गुडविल कैलकुलेशन में यहां नहीं देखेंगे। सबसे पहले हम ये बात कर रहे हैं कि 10 लाख का असेट माइनस 2 लाख का आउटसाइड लायबिलिटी इज इक्वल्स टू 8 लाख रुपीज हुआ। ये जो 8 लाख रुपए है सब नेट असेट बोलेंगे। मतलब हम बिजनेस परचेज कर रहे हैं तो उस बिजनेस को 8 लाख रुपए देंगे और बिजनेस हमारा हो जाएगा। अगर बिजनेस को हम 8 लाख से ज्यादा का अमाउंट पे करते हैं, मान लीजिए 15 लाख का अमाउंट पे कर रहे हैं, 8 लाख का उसका नेट असेट ले रहे हैं, बदले में उसे 15 लाख रुपए दे रहे हैं, तो जो एक्सेस अमाउंट हम ले रहे हैं उसे गुडविल बोलेंगे। 15 लाख के अमाउंट पे कर रहे हैं और बदले में 8 लाख का आपको बिजनेस मिल रहा है, तो जो डिफरेंस है 7 लाख रुपए वो यहाँ पर गुडविल होगा। तो यहाँ भी मैंने वही लिखा है, गुडविल इज द पोर्शन ऑफ द परचेज प्राइस दैट इज हायर देन द सम ऑफ नेट असेट या नेट वैल्यू ऑफ ऑल असेट्स। अब हम इस बात करते हैं मेथड्स फॉर गुडविल वैल्यूएशन। तो यहाँ डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं। पहला है एवरेज प्रॉफिट मेथड, जिसमें 2 टाइप की कैटेगरीज आपको मिलेंगी, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड देखेंगे और वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से आपको निकालेंगे। दूसरा है सुपर प्रॉफिट मेथड और तीसरा मेथड आता है कैपिटलाइजेशन मेथड, जिस कैपिटलाइजेशन मेथड में भी आपको 2 कैटेगरीज देखने के लिए मिलेंगी, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। चलिए न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट मेथड डिस्कस कर रहे हैं, सीक्वेंस में ही चलेंगे, जिसमें पहला टॉपिक आपको देखना है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसमें किस टाइप का क्वेश्चन आपको मिल सकता है, क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन यहां पर है, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2। देयर कैपिटल स्टैंड्स 30,000 एंड 20,000 रेस्पेक्टिवली। गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड एट 2 इयर्स परचेज ऑफ लास्ट 4 इयर्स एवरेज प्रॉफिट। अब यहाँ आपको ध्यान देना है, यहाँ लिखा है गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी परचेज। पहली बात देखिए, गुडविल कैलकुलेशन जब आप कर रहे हैं तो अभी एवरेज प्रॉफिट मेथड की मैं बात करूँ, यहाँ जो कैपिटल है 30 और 20,000 इसका कोई यूज नहीं है, कैपिटल का यहाँ अभी कोई यूज नहीं होगा एवरेज प्रॉफिट मेथड में। जो पहली चीज नोटिस करनी है क्वेश्चन में वो आपको यही करनी है कि जो आपको यहाँ पर 2 इयर्स परचेज दिया है इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए। Goodwill of the firm is to be valued at 2 years purchase. ये देखिए 2 years purchase को आपको underline कर लेना है। पहली चीज़ ये आपको दिमाग में बिठा लेनी है कि purchase years कितने हैं जो हमें goodwill calculation में help करेंगे। उसके आगे पढ़ते हैं 2 years purchase of last 4 years average profit. अब यहाँ भी आपको देखना है कि average profit कितने सालों का लेना है, पिछले 4 साल का, 5 साल का, 3 साल का। तो
तो ये क्वेश्चन में दिया होगा लास्ट 4 इयर्स एवरेज प्रॉफिट दिया है, तो यहाँ आपको 4 इयर्स एवरेज प्रॉफिट को भी अपनी कंसीडरेशन में ले लेना है। मैंने इसको भी डाल कर दिया और आगे इन्फॉर्मेशन है देयर प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, 18, 17, 16, 4 साल है, 4 साल के प्रॉफिट आगे दिए हैं 12,000, 13,000, 5,000, 10,000, तो इन प्रॉफिट्स को भी आपको अपनी कंसीडरेशन में लेना है, मैंने इनको भी डाल कर दिया। अब करना क्या है, सबसे पहले जो 4 साल के प्रॉफिट है इनका एवरेज निकाल लेना है, चारों को ऐड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, एवरेज आ जाएगा, और उसके बाद गुडविल का एक छोटा सा फॉर्मूला है उसे अप्लाई करेंगे, गुडविल आपका आंसर आ जाएगा। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं इसका। सबसे पहला स्टेप यहाँ पर टोटल प्रॉफिट कैलकुलेट किया है, 12, 13, 5 और 10 मैंने सब मिला दिया, तो ये 40,000 का टोटल प्रॉफिट आ गया, 4 साल का टोटल है 40। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट में इस टोटल को नंबर ऑफ ईयर से, जो नंबर ऑफ ईयर हमें दिया था 4, यहाँ गलत मिस्टेक हो गई है, गलती से 10 लिख दिया है मैंने, 40,000 upon 10, 40,000 upon 4 होना चाहिए। एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेशन में 40,000 upon 4 इसे करेक्ट कर लेते हैं, 40,000 upon 4 equals to 10,000, ये हुआ एवरेज प्रॉफिट। इसके बाद हम देखेंगे गुडविल इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, तो ये नंबर ऑफ ईयर परचेज भी हमें क्वेश्चन में दिया गया था, अभी आप क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ लिखा है 2 year purchases, 2 year purchase ऑफ लास्ट 4 year एवरेज प्रॉफिट, तो जो 2 year परचेज है इसको बोलते हैं नंबर ऑफ ईयर परचेज, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ ईयर परचेज की एवरेज प्रॉफिट से। एवरेज प्रॉफिट अभी लास्ट हम स्लाइड देखें तो 10,000 rupees का एवरेज प्रॉफिट आया है, 10,000 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, ये ईयर परचेज वाला जो नंबर है नंबर ऑफ ईयर परचेज, ये हमेशा क्वेश्चन में आपको मिलेगा, हमेशा मिलेगा, इसे आपको ध्यान से पढ़ना है। एवरेज प्रॉफिट 10,000 है, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से तो 20,000 rupees गुडविल आ गया, यही गुडविल आपका आंसर है। एवरेज प्रॉफिट मेथड में सिंपल यही तरीका है गुडविल कैलकुलेशन का। आपने अभी वीडियो कंप्लीट नहीं हुआ है, अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा वीडियो पे। अगला हम मेथड देख रहे हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड में ही, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड का न्यूमेरिकल देखेंगे। तो जो दूसरा कैटेगरी है एवरेज प्रॉफिट का वो है वेटेड एवरेज प्रॉफिट, इसमें कैसा हमें क्वेश्चन मिलेगा यहाँ पर देखते हैं। ए एंड बी दो पार्टनर्स हैं, उनका रेशियो 1:2 दिया है, उनकी कैपिटल 10,000-20,000 है, हमें इसका कोई भी यूज नहीं होता अभी तक, जो एवरेज प्रॉफिट मेथड है उसमें कैपिटल का यूज नहीं पड़ता। आगे देखते हैं गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड एट 1.5 इयर्स परचेज ऑफ लास्ट 3 इयर्स वेटेड एवरेज प्रॉफिट देयर प्रॉफिट। अच्छा अब यहाँ ध्यान से देखिएगा 1.5 ईयर परचेज, यहाँ आपको ये चीज अंडरलाइन कर लेनी है, और कितने साल का पीछे हम देखेंगे ऑफ लास्ट 3 इयर्स वेटेड एवरेज प्रॉफिट, पिछले 3 साल का वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना है। वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं उसको हम आगे देखेंगे, यहाँ देख लेते हैं आगे क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। वेटेड एवरेज प्रॉफिट के बाद हमें दिया है द प्रॉफिट, इसे आप ध्यान से देखिए, देयर प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017, 18, 19, 10, 25 एंड 10, 10,000, 25,000, 10,000 के प्रॉफिट दिए हैं, और आगे लिखा है द वेट्स आर 1, 2, 3 रेस्पेक्टिवली, ये वेट भी क्वेश्चन में दिए होंगे। जहां हमें वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालनी है वहां हमेशा वेट मिलेगा आपको, प्रॉफिट भी मिलेगा वेट भी मिलेगा, तो सॉल्यूशन कैसे करना है उसे देखते हैं। सबसे पहले एक टेबल बना लेनी है, ईयर मैंने लिखे हैं लाइन से 2017, 18, 19 जिनके प्रॉफिट 10, 25, 10 ये क्वेश्चन में दिए थे, और आगे मैंने कॉलम में वेट लिखा है 1, 2, 3 ये भी क्वेश्चन में दिया था। वेट का टोटल कर लिया है नीचे, समेशन डब्ल्यू इक्वल्स टू 6 आया है, 3+2+1 करके वेट का टोटल 6 आ गया है। एक और कॉलम बनाया है मैंने प्रॉफिट इनटू वेट किया है, 10,000 × 1 करके 10,000, 25,000 × 2 करके 50,000 और 10,000 × 3 करके 30,000 आया। ये जो प्रॉफिट इनटू वेट का कॉलम है इनका भी मुझे टोटल करना है, समेशन पीडब्ल्यू जो मैंने 50+10+30 किया है तो समेशन पीडब्ल्यू आ गया 90,000। अब इसके बाद में हमें फॉर्मूला लिखा है वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालना है, समेशन पीडब्ल्यू अपॉन समेशन डब्ल्यू जो 90,000 है उसे आप 6 से डिवाइड कर दीजिए, 15,000 रुपए आता है, इसे बोलेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट। इसके बाद गुडविल कैलकुलेशन के लिए गुडविल का फॉर्मूला, जो वेटेड एवरेज प्रॉफिट आया है उसे आप नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर ऑफ ईयर परचेज हमेशा क्वेश्चन में दिया होता है, ध्यान से उस क्वेश्चन को पढ़ना है जिसमें नंबर ऑफ परचेज आपको मिलेगा। गुडविल इक्वल्स टू 15,000 का यहाँ पर वेटेड एवरेज प्रॉफिट है इनटू 1.5, तो 15,000 × 1.5 करेंगे तो 22,500 आएगा, ये आपका गुडविल है, ये आपका आंसर है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, वीडियो समझ में आया है तो आप लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स को,
और जो बाकी मेथड बचे हैं अभी गुडविल वैल्यूएशन के, जिसमें सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड है, तो मैं उस मेथड्स को, उन सारे मेथड्स को एक और वीडियो, सेपरेट वीडियो बनाऊंगा गुडविल की पार्ट 2, उसमें डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच।